सबसे पहले गाजा विध्वंस से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। कलकलिया में छापेमारी के दौरान विस्फोट हुआ, इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान यह ब्लास्ट हुआ। वेस्ट बैंक के अकाबत जबर शिविर में फायरिंग हुई है, इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान यह गोलीबारी हुई। वेस्ट बैंक में लगातार हिंसक झड़प जारी है, इजरायली फोर्स और हमास समर्थकों में फायरिंग हुई है। वेस्ट बैंक के अकाबत जबर कैंप में इजरायली फोर्स की कार्रवाई, हमास समर्थक एक युवक को किया गया गिरफ्तार। शती कैंप में इजरायली फोर्स का छापा, छापेमारी में हमास के हथियार और अन्य सामान बरामद। इजरायली फोर्स ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन के सदस्य के घर छापेमारी की थी। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हमले का नया वीडियो सामने आया है, ब्लास्ट के बाद भागते नजर आए लोग। कल इजरायली फोर्स ने किया था हमला। जेनिन में हिंसक संघर्ष जारी, इस बीच इजरायली सेना के कबातिया शहर में भी हिंसक संघर्ष हो रहा है। वेस्ट बैंक में हमास इजरायल में आर पार की जंग, हिंसक झड़प की ताजा तस्वीरें सामने आई। पूर्वी नेबलस में लगातार फायरिंग हो रही है, बलाटा कैंप के आसपास हिंसक झड़प। वेस्ट बैंक में इजराइल हमास में भीषण जंग, इजरायली सेना के जत्थे ने हमला किया, जेरिको सिटी के कट अल्फात पर धावा बोला। इजरायली फोर्स ने हमास के लड़ाकों का वीडियो जारी किया, आम लोगों के भेष में फोर्स पर हमला कर रहे लड़ाके, इजरायली फोर्स ने जारी किया वीडियो। इजरायली सेना की रामल्ला के उत्तर पश्चिम में बड़ी रेड, बेत रीमा शहर पर हमले के दौरान कई घरों पर छापा, तलाशी अभियान के साथ तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। इसराइल पर हमास के हमले का प्लान, हजारों ड्रोन इसराइल पहुंचने का दावा किया जा रहा है, ज्यादातर चीनी ड्रोन। गाजा पट्टी में अस्पतालों पर लगातार हमला जारी है, उत्तरी गाजा का कमल अदवान अस्पताल पूरी तरह से तबाह, अल जजीरा की रिपोर्ट में इस बात का दावा। वेस्ट बैंक के खलखलिया में भीषण जंग हुई है, इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण जंग, आईडीएफ पर लगातार गोले दाग रहे हमास के लड़ाके। वेस्ट बैंक में हमास इजरायल में जंग तेज, खलखलिया में शहर में कब्जे की जंग जारी, हिंसक संघर्ष का वीडियो सामने आया। 7 अक्टूबर के हमले पर छानबीन जारी, गाजा से सबूत जुटा रही है इजरायली फौज, हमास की सीक्रेट तक पहुंचने की कोशिश। हिजबुल्ला के ठिकाने पर इजरायली फोर्स का हमला, लेबनान में हिजबुल्ला के लॉन्चिंग सेंटर को बनाया निशाना, इजरायली पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा था लॉन्चिंग सेंटर। इजरायल के जमीनी अभियान में फंसे गाजा के अस्पताल, अल-शिफा अस्पताल में कार्डियक वार्ड नष्ट, ईंधन की कमी और बिजली कटौती से अल-कुद्स अस्पताल ठप। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, रॉकेट हमले का वीडियो सामने आया, जो प्रांत में 15 रॉकेट से हमले का दावा किया गया। रैली के दौरान ग्रेटा थनबर्ग का विरोध, फिलिस्तीन का समर्थन करने का विरोध, रैली के दौरान युवक ने माइक छीना। ईरान में आक्रामक बमबारी के खिलाफ बाइडेन, पेंटागन के प्रस्ताव को बाइडेन ने खारिज किया, पेंटागन का आक्रामक बमबारी का प्रस्ताव था। और यूरोपीय संघ ने हमास की निंदा की, अस्पतालों को मानव ढाल बना रहा था हमास, हमास ने अस्पतालों को ईंधन लेने से रोका।